नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दुमका पुलिस ने नक्सल प्रभावित टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गांव में अवैध तरीके से बाखर बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बाखर बनाने के 5 फैक्ट्री में छापेमारी कर लाखों रुपए की बाखर मशीन, बर्तन, मसाला, नशीली सामग्री सहित अन्य सामान बरामद किया। मामले में फैक्ट्री मालिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया गया, जबकि बाकी 9 आरोपियों की तलाश जारी है। छापेमारी की कार्रवाई करीब 8 घंटे तक चली। बाखर को नशीला पदार्थ माना जाता है, जिसका इस्तेमाल देसी शराब बनाने में किया जाता है। पुलिस के मुताबिक झारखंड में बाखर बनाना और इसकी खरीद बिक्री पूरी तरह से अवैध है और इसके लिए किसी तरह का लाइसेंस जारी नहीं किया जाता, जबकि बांसकुली में नशे की इन फैक्ट्रियों में हर दिन बड़े पैमाने पर बाखर बनाकर उसकी सप्लाई बिहार, बंगाल सहित अन्य राज्यों में की जाती है। फिलहाल पुलिस ने 5 फैक्ट्री में ताला जड़ दिया है और फैक्ट्री से बरामद सभी सामान को जब्त कर टोंगरा थाना में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक दुमका पुलिस को बांसकुली में अवैध और बड़े पैमाने पर बाखर बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर नूर मुस्तफा के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार की सुबह जब बांसकुली गांव में स्थित बाखर के फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंची, तो पुलिस टीम फैक्ट्री की स्थिति को देखकर दंग रह गई। एक एक फैक्ट्री का निर्माण करीब 1 से लेकर 2 बीघा जमीन तक किया गया था। एक फैक्ट्री में एक तरफ अवैध तरीके से बाखर बनाया जाता था तो उसी फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बड़ा सा गौशाला बनाकर रखा गया था। फैक्ट्री में बाखर बनाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई थीं। बाखर में इस्तेमाल होने वाले चावल को पीसने के लिए कई आटा चक्की मशीन लगाई गई थी। काफी संख्या में बड़े बड़े कढ़ाई और बर्तन सहित बाखर को सुखाने के लिए बिजली पंखा, इन्वर्टर, बैटरी, मापतौल मशीन, जनरेटर भी मौके से पुलिस ने बरामद किया। चारों फैक्ट्री में कई बोरा मसाला और अन्य नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई। जब्त सामानों को मिनी ट्रक, पिकअप वैन और ट्रैक्टरों से थाना भेजा गया। SDPO नूर मुस्तफा अंसारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान करीब 56 क्विंटल बाखर बरामद किया गया है। चारों फैक्ट्री में बरामद बाखर सहित अन्य सामानों की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक एक कारखाने में 50 से 60 मजदूर काम करते थे। उन्होंने कहा कि इन फैक्ट्रियों के संचालन में किन किन लोगों की भूमिका है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है। फिलहाल टोंगरा थाना में 17 नामजद लोगों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कराया गया है, जिसमें फैक्ट्री मालिक सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टोंगरा थाना क्षेत्र का बांसकुली गांव है। यहां पे SP साहब के निर्देश पर हम लोग को गुप्त सूचना मिली हुई थी कि बड़े पैमाने पे शराब और अन्य नशे का पदार्थ जो है कि शराब बनाने वाली और बहुत सारे नशा में यूज करने वाले पदार्थ का सामग्री यहाँ तैयार किया जाता है और कुछ कुछ फैक्ट्री और कारखाना का रूप ले लिया है बड़े पैमाने पे। और हम लोग SP साहब के निर्देश पे एक टीम गठित करके आए हुए हैं और उसका हम लोग बहुत सारे चीज़ बरामद किए हैं, जैसे कि धान चावल पीसने वाला मशीन है, जनरेटर है, वेट मशीन है, बहुत सारे चावल है और नशा में यूज होने वाली बहुत तरह की सामग्रियाँ हैं। और कुछ लोगों को हम करीब 6-7 लोगों का अरेस्टिंग भी हुआ है और इसमें हम लोग अभी छापेमारी कर रहे हैं और भी जो भी लोग हैं उस पर हम लोग जांच करेंगे और जो भी सामग्री है उनको हम लोग ये बरामद करके इसको ये कर रहे हैं, सीजर बना करके हम लोग केस करेंगे और आगे की कार्रवाई। कल SP साहब को गुप्त सूचना मिली थी कि टोंगरा थाना क्षेत्र के बांसकुली गाँव में बासुकीनाथ शाह, दीपक शाह, विकास शाह, जगदीश शाह के घर में और सुखेन शाह के घर में शराब निर्माण में प्रयुक्त होने वाले नशा के कुछ पदार्थ और बाखर का निर्माण किया जाता है। उसी के आलोक में टीम गठित करके हम लोगों ने छापामारी किया उन फैक्ट्रियों में और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हर कुल 20 लोगों पर FIR दर्ज किया। जितना बाखर क्या बरामदगी हुई है सर, वहाँ से कितनी की बरामदगी हुई है? बरामदगी करीब 56 क्विंटल के आसपास बाखर है और शराब निर्माण से संबंधित अन्य नशीला पदार्थ और सामग्रियाँ हैं और कुछ कुछ जो है कि उनसे उनका सहयोग के रूप में लिया जाने वाला जो है कि चावल पीसने वाला मशीन है, जनरेटर है, कुछ और भी सामान है, वेट मशीन है और भी बर्तन बहुत सारा है, इस तरह का बहुत सारे सामान को बरामद किया गया है और जब्त किया गया है।
कि कहाँ माल जाता था सर? ये माल दुमका के अगल बगल के जिलों के अलावा अधिकांश मात्रा में बिहार में लोग सप्लाई करते हैं। सर कितने लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर था? एफआईआर 20 लोगों के ऊपर है, उसमें से 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज हम लोग न्यायिक हिरासत में। जो आरोप लगे हैं, धारा लगाई गई है, क्या क्या है उसमें? उसमें तो आईपीसी की धारा 272/73/34 गाँव में जानकारी नहीं थी, जानकारी मिली हम लोग गए तो देखें कि कुछ अब वो कारखाना का रूप ले चुका है और करीब हमको लग रहा है कि 150-200 उसमें से रोजगार से भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी नशा से संबंधित वस्तुएं थी उसमें से। सर ये सब तो आईपीसी की धारा लगाई गई है, लेकिन कमोडिटी एक्ट के तहत कोई ऐसा धारा लगा है? प्रतिबंधित है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का ये प्रावधान नहीं है, उसका लाइसेंस नहीं है और ये गैर कानूनी है इसका धंधा करना, और इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई किया है। क्योंकि ये लोग अनभिज्ञ भी लगते हैं, कहते हैं कि पुश्तैनी कारोबार है ये हमारा, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, पुश्तैनी कारोबार है बोलने वाले तो बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जब झारखंड सरकार में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसी हिसाब से कार्रवाई की है। सर झारखंड में इसके उत्पादन पे रोक है या फिर बिक्री पे भी रोक है? नहीं, वो रोक है, इसीलिए तो कार्रवाई की है। सर दुमका के सही अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।